Assalamu alaikum friends, this is your host and friend of Mr. Basi back with a new video. Guys, kaise ho? तो गाइस आईफोन 12 सीरीज को कंपीट करने के लिए सैमसंग की S21 सीरीज यहाँ जल्द ही आ रही है और काफ़ी ज़्यादा धमाका जो है वो करने वाली है। यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर आज की जो वीडियो है गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी जो ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में बताने वाला हूँ। जो ऑफिशियल नहीं मतलब लीक्स एंड रूमर्स के थ्रू जो स्पेसिफिकेशन आई हैं, डिज़ाइन वाइज भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ भी लीक पिक्चर्स मतलब रूमर्ड पिक्चर्स। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो यार कर दो सब्सक्राइब और साथ बने घंटी के बटन का दबा के उसको ऑल पे कर दो ताकि मेरी वीडियो को जितनी भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बाय द यूजर नेम @ हुमैस अब्बास, या फिर आप नीचे दिए गए लिंक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बस यहाँ पर जो डिज़ाइन की बात करूँ ना तो काफ़ी कमाल निकल के आता है। पहले तो ये बात कर रहे थे कि मॉडल्स कितने आएंगे, तो S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा बेस होगा, S21 फिर S21 प्लस और फिर S21 अल्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो तकरीबन तीनों में सेम ही डिज़ाइन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर बैक साइड के ऊपर आप लोगों को जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब अगर मैं बैक साइड देखूँ तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अमेजिंग से डिज़ाइन मिलता है। वर्टिकल कैमरा सेटअप है कोने में, बट जो डिज़ाइन दिया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर तीनों में जो एक मेजर डिफरेंस है वो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। यहाँ पर जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा S21 अल्ट्रा के अंदर वो आएगा 100x के जूम के साथ। तो अगर मैं आप लोगों से S21 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रंट साइड पर आप लोगों को 540 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और बैक साइड के ऊपर यहाँ पर क्वाड रियर कैमरा है, यानी कि 108 का मेन सेंसर है यहाँ पर। यहाँ पर 10 का अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पर 10 का पेरिस्कोप लेंस है और यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का ही आप लोगों को एक अदर टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। तो एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप होने वाले हैं। वहीं तो अगर हम इसके रैम रोम यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 8GB से लेके 16GB तक की रैम देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर जो यूज़ किया गया है प्रोसेसर, मैं अगर एक्जिनोस की बात करूँ जो वर्ल्ड वाइड होता है वो एक्जिनोस का चिपसेट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है, लेकिन जो मेन बेसिकली प्रोसेसर होगा जो स्नैपड्रैगन की तरफ से आएगा वो होगा स्नैपड्रैगन का 888, यानी कि Snapdragon 888, जो कि काफ़ी तगड़ा चिपसेट है। 5 नैनोमीटर पे बेस चिपसेट है ये वाला, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चिपसेट होगा। लेकिन ये सिर्फ आई थिंक सो US, चाइना और कोरिया के अंदर से सैमसंग स्नैपड्रैगन चिपसेट को प्रोवाइड करेगा। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में आपको एक्जिनोस पर ही गुजारा करना पड़ेगा। शायद सैमसंग कभी अपनी स्ट्रैटेजी बदले, बार मुझे नहीं लगता बदलने वाले हैं। तो अगर डिस्प्ले को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है विद 120Hz रिफ्रेश रेट टेक्नोलॉजी विद द सपोर्ट ऑफ HDR10+। ठीक है, तो यहाँ पर जो 120Hz रिफ्रेश रेट है अकॉर्डिंग टू GSM एरिना, यहाँ पर मतलब जो मैंने स्पेसिफिकेशन मैच की थी उसके मुताबिक 120Hz इस दफ़ा तीनों ही सैमसंग डिवाइसेस में आ रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक सही हूँ, बट यहाँ पर तीनों ही फोन्स में से 120Hz रिफ्रेश रेट को दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मेन जो S21 अल्ट्रा है उसके अंदर आप लोगों को 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जबकि S21 और S21 प्लस के अंदर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ 25W का फास्ट चार्ज का भी सपोर्ट है। वैसे मुझे लगता है यहाँ पर इनको फास्ट चार्ज थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, बिकॉज कंपनी सबको 65W की फास्ट चार्जिंग दे रही है, वो भी सिर्फ 50-55-60 हज़ार रुपये में। तो सैमसंग को भी चाहिए कि वो भी फास्ट चार्जिंग वाले सीनैरियो पर आएँ। बाकी ये कि एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड हो गए ये तीनों ही सैमसंग के स्मार्टफोन्स। तो ये थी कुछ लीक्ड रूमर्ड स्पेसिफिकेशंस इनके मुतालिक। और अगर आप इस चैनल पर गए, आपको ये वीडियो पसंद आई उसे लाइक ठोकना इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई उसे लाइक ठोकना, चैनल सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।